नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अपना प्रथम सत्र का आखिरी पाठ था वह भरत मिलाप हमने पूर्ण किया और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हमारे द्वितीय सत्र का प्रारंभ करने वाले हैं। और द्वितीय सत्र में पहला पाठ है केसा शोर, इसका गुजराती का अर्थ होता है केवो आवाज। तो आ आवाज केवो छे उसे आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सब अपने अपने पाठ्य निकालिए और पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 कैसा शोर सब निकालिए और मेरे साथ आपको यह पाठ समझना है। देखिए, इस पाठ में हमें बहुत सारी सब्जियां बताई गई है और उसके गुण भी बताए गए। हम जब भी खाना खाते हैं तब ज़्यादातर आलू की सब्जी या टमाटर की सब्जी या भिंडी की सब्जी खाते हैं। करेला है, बैंगन है, मिर्च है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, यह सब्जियां हमें पसंद नहीं होती, खास करके बच्चों को। तो इन सारी सब्जियों में बहुत सारे गुण होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, सारी सब्जियों को खाना चाहिए। उसमें भी इस वक्त तो ठंड है और ठंडी में बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्जियां आती है, तो उसे इस सारी सब्जियों को हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमें बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स इन सारी सब्जियों में से मिलते हैं और यदि हम सारी सब्जियां खाएंगे तो हमें कोरोना भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 कैसा शोर। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। देखिए, अब खेत है और उस खेत के मालिक कौन है, बिरजू चाचा। और बिरजू चाचा ने अपने खेत में बहुत सारी सब्जियां बोई थी, यानी कि उगाई थी। दोपहर का समय था, बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। अब दोपहर का समय था, जो किसान होते हैं वह सुबह बहुत जल्दी सूरज निकलने से पहले ही खेत पर चले जाते हैं, तो दोपहर होते ही वह थक भी जाते हैं। तो दोपहर का समय था, बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे और लेटते ही उसे क्या आ गई, नींद आ गई। वो तो गहरी नींद में सो गए। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई और जैसे ही बिरजू चाचा सो गए वैसे ही सारी सब्जियां क्या करने लगी, खेलने के लिए बाहर निकल आई। हम बच्चे भी ऐसे ही करते हैं ना, मम्मी पापा सो जाते हैं दोपहर को तो बच्चे भी क्या करते हैं, घर से बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे ही सब्जियां सारी खेलने के लिए इकट्ठी जमा हो गई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। देखिए, नोक झोंक करना, लड़ाई नहीं कर रहे पर एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे, मैं अच्छी, मैं अच्छा है, ऐसे उग्र चर्चा करना। तो पहले तो वह खेल रही थी पर खेलते खेलते पता नहीं क्या हुआ कि सब नोक झोंक पर उतर आई। आलू ने कहा, मैं सब्जियों में सरताज हूँ। सबसे पहले आलू ने अपनी गुणगान किया, अरे मैं कि सारी सब्जियों में सरताज हूँ, मैं राजा हूँ सब्जियों का। क्योंकि बच्चों को, बूढ़ों को, छोटों बड़ों सभी को आलू की सब्जी बहुत पसंद होती है। आलू ने कहा, मैं सब्जियों में सरताज हूँ, राजा हूँ मैं तो, सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। आप देखिएगा, आपकी मम्मी जब भी कोई सब्जी बनाएगी तो उसमें आलू होगा ही होगा। तो सभी सब्जियाँ, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जिसमें मैं नहीं पड़ता, इसलिए मैं सब्जियों का राजा हूँ। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। आलू ने अपने गुणगान किया कि मैं तो छोटे से लेकर बड़ों सबको बहुत ही भाता हूँ, सब मुझे चाव से खाते हैं। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। अब आलू ने अपने बारे में पूरी कथा सुनाई कि चाट है, चाट यानी कि पानी पूरी है, तो चिप्स है, टिकिया है, ऐसी चटपटी चीज़ें हैं वो मुझसे ही बनती है और इसे लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। शक्करकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। अब आलू अपने गुणगान कर रहा, तो शक्करकंद दौड़ कर आया, मैं तो एक आलू का मित्र हूँ। शक्करकंद और आलू खाने में एक जैसे होते हैं, शक्करकंद थोड़ा मीठा होता है, तो उसने अपने आप को किसका मित्र बताया, आलू का मित्र बताया, मैं तो एक आलू का मित्र हूँ, आलू जैसा ही हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। अब उसने अपने गुणगान शुरू कर दिए, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए। अब जब शक्करकंद अपने गुणगान गा रहा था तो मटर, जिसे हम गुजराती में वटाणा कहते, वो दौड़ कर आया और उसमें से दाने बाहर निकल आए और वह अपना गुणगान करने लगे और कहने लगे, हमें भूल गए, कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। जो मटर ने अपनी तारीफ की, कहले आप लोग अपनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे तो भूल गए, मुझे नहीं जानते,
मुझसे भी कितनी ही चटपटी चीज़ें बनती है। मैं पुलाव और कचौरी की जानूं, मेरे बिना कचौरी बनती नहीं है। मटर ने अपनी कथा सुनाई। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। अभी तो मटर बोल ही रहा था, तब तो लौकी और गाजर ऊपर से कूदे, बीच में पड़े और वह भी बोले। क्या बोले? रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? दोनों ही बोलने लगे, रायता, कोफ्ता और हलवा हमारे बगैर बनता नहीं है। अपनी अपनी तारीफें कर रहे हैं सब, मैं बड़ा ऐसा कह रहे हैं। लौकी बोली, गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। अब लौकी अपनी तारीफ कर रही थी तो गाजर बीच में पड़ा कि हलवा तो मेरा भी बनता है, अपना ही गुणगान गा रही हो। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। जो गाजर ने अपनी तारीफ की कि तुमने मेरा रूप रंग देखा है, तुम तो हरी हरी हो, मेरा तो लाल रंग है और कितना सुंदर लाल दिखता हूँ और मुझे तो सब लोग प्यार से खाते हैं। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गाजर कहता है, मेरा नाम सुनते ही तो सबके मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। जो गाजर की यह बात बिल्कुल सही है, यदि हम कच्चे गाजर खाएं तो हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहते हैं। तो गाजर कहता है कि मुझे खाने से लोग कैसे रहते हैं? स्वस्थ। यह सुनकर बंद गोभी आ गया। अभी तो गाजर अपनी कथा सुना रहा था, तब तो बंद गोभी आगे आ गई। रुको, मेरी बात सुनो। बंद गोभी आ गया, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। बंद गोभी ने कहा कि तुम्हें खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं तो मुझे खाने से भी स्वस्थ रहते हैं। बंद गोभी ने अपनी तारीफ की। सब्जी के अलावा कचुमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। और गोभी ने कहा कि भाई, मेरी तो कचुम्बर में तो मेरा स्थान है ही गाजर से, तुम्हारी तरह मैं भी कचुम्बर में मेरा अपना स्थान है, पर मेरी तो सब्जी भी बनती है, तुम्हारी सब्जी बनती है? मिर्च पीछे क्यों रहती रहे? अब ये सब लड़ रहे तो मिर्च कूदी बीच में के सब अपनी अपनी तारीफ कर रहे, तो मैं भी अपनी तारीफ कर दूँ, मिर्च पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। मिर्च चिल्लाई, चुप हो जाइए सभी के, पहले मेरी बात सुनिए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मिर्च ने कहा कि आप सबकी सब्जी बनती है, कचुम्बर बनती है, कोफ्ता बनता है, रायता बनता है, पर मेरे बगैर आप सब कुछ नहीं, क्योंकि जिसमें तीखा स्वाद न हो वह खाने का कोई मजा नहीं होता। इसलिए मिर्च ने सबको डांटा, चुप हो जाइए, मेरे बगैर आप कुछ है नहीं, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। यदि मेरे बगैर आप सब्जी बनाओगे तो सारी सब्जियां कैसे बनेगी? फीकी। और हमें भी पता है कि हमें फीका खाना पसंद नहीं है, हमें चटपटा तीखा मसालेदार खाना ही ज़्यादा पसंद होता है। मैं पतली और चुस्त हूँ। जो मिर्च ने अपनी तारीफ की, मैं एकदम पतली हूँ और चुस्त भी हूँ। वो भोदी नहीं है या वजन में भी नहीं, एकदम पतली और अपना शरीर है वो सुडोल बनाए रखा है। तब भिंडी आ गया। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। तब भिंडी ने अपने अनूठे स्वाद, भिंडी का स्वाद है वो सबसे अलग होता है। भिंडी ने कहा कि मेरा स्वाद सबसे अलग है, किसी का तीखा है, किसी का मीठा है, किसी का खट्टा है, पर मेरा स्वाद तो किसी से मिलता ही नहीं है, मेरा स्वाद तो सबसे अलग है। वह अपनी अपनी प्रशंसा कर रही है भिंडी। अब करेला कैसे चुप बैठता? अब भिंडी अपनी बात कह रही थी, तब करेला बोलने लगा। वह कैसे चुप रहता कि सब बोल रहे तो मैं भी बोलूं? तो करेला बोला। वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। अब करेला बेचारा कुछ बोले उससे पहले टमाटर ने पट से मारा, चुप रहो, और टमाटर बीच में बोल पड़ा, तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। देखिए, अब टमाटर ने उसे कहा, तू तो चुप ही रहे, तेरा नाम सुनते ही तो बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, तेरी सब्जी कोई खाता नहीं है, क्योंकि करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। अब टमाटर ने अपनी तारीफ की कि तुझसे तो बच्चे दूर भागते हैं, पर मेरा खट्टा मीठा स्वाद है वो सबको बहुत प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया। अब यह बात सुनकर टमाटर की यह बात सुनकर करेला चीखा, चुप रहो, ऐसे करके चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है। जो करेले ने समझाया कि सिर्फ अच्छा दिखना या अच्छा स्वाद होना ही ज़रूरी होता नहीं है, उसमें क्या क्या गुण है वह भी देखना
चाहिए। हम सब क्या करते हैं, जो भी सब्जी होती है उसके स्वाद अनुसार खाते हैं। यदि हमें मीठा पसंद है तो हमें ऐसी सब्जियां खाते हैं, यदि हमें खट्टा पसंद है तो हमें ऐसी सब्जियां खाते हैं। पर स्वाद से ज़्यादा उसमें कौन कौन से गुण हैं वह हमें सब्जियों में देखने चाहिए। तो चलिए, तो करेला चिल्लाया कि सिर्फ रूप रंग काफ़ी नहीं होता है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। देखिए, ज्वर ज्वर यानी बुखार। करेले ने कहा कि बुखार जैसी बीमारियां है वह मुझसे ठीक हो जाती है। यदि हमारे घर में कोई बीमार हो, पेट की समस्या हो या फिर और कोई छोटा मोटा बुखार हो, तो हम करेला का रस पिलाते हैं उसे, क्योंकि कड़वी चीज़ ऐसी होती है जिससे कि रोग दूर भागते हैं। तो करेला कहता है ज्वर जैसी बीमारियां मुझसे ठीक हो जाती है। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। आखिर में कौन आया? कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, अब बैंगन ने सबको, देखिए बैंगन समझदार है, वह सबको शांत करता है, भी चुप हो जाइए। सब के अंदर कोई ना कोई गुण है, हम सब कोई ना कोई गुण से भरे हुए, बिना गुण के कोई नहीं है। बैंगन ने सबको शांत किया। दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। देखिए, बैंगन ने सबको समझाया कि भाई आप सारी सब्जियां जितनी भी हो वह अपने अपने स्थान पर सही हो। यदि हलवा बनाना हो गाजर या लौकी का ही बनता है, यदि हमें चाट या चिप्स बनानी है तो वह आलू की ही बनती है। तो ऐसे सब अपने अपने स्थान पर तो आप लोग सही है, और सब में कोई ना कोई गुण है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। अब बैंगन ने सबको समझाया, यदि हम लड़ेंगे तो ये बात सही नहीं है, यदि हम मिलजुल कर रहेंगे उसी में हमारी भलाई है। तब सलगम, देखिए यहाँ पर बीट, जिसे हम गुजराती में बीट कहते हैं उसे हिंदी में सलगम कहते हैं। सलगम, गाजर, बंद गोभी, लौकी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचुंबर लज्जतदार होता है। जो बैंगन ने समझाया कि कचुंबर एक सिर्फ गाजर का खाओ या सिर्फ बंद गोभी का खाओ अच्छा नहीं लगता, इसमें सलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी और मिर्च को मिलाकर बनाया गया सलाद होता है वह कैसा होता है? कचुंबर लज्जतदार, खाने में स्वादिष्ट लगता है। आलू, शकरकंद, फूलगोभी और भिंडी से बनी सब्जी मनभावन बनती है। और आलू है, शकरकंद है, फूलगोभी है, भिंडी है, इनसे बनाई गई सारी सब्जियां कैसी बनती है? मनभावन अच्छी बनती है। साथ में मिर्च, धनिया और अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिल कर भी मज़ेदार हो जाते हैं। बैंगन ने सबको समझाया कि यदि हम सब मिलजुल कर रहे तो हम कैसे बन सकते हैं? मज़ेदार हो सकते हैं। इतने में बिरजू चाचा झाग उठे, और इतने में बिरजू चाचा की नींद है वह खुल गई। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी और सारी सब्जियां दौड़ने लगी, अपना अपना घर ढूंढने लगी। कोई बेलों पर था, कोई जमीन के अंदर था, कोई पौधों पे लटके हुए थे, सभी सब्जियां भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शक्करकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधों की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। इस तरह से बिरजू चाचा के झगने से सारी सब्जियां भाग गई और अपने अपने स्थानों पर चली गई। और इस तरह से बिरजू चाचा जगे और फिर से अपने काम में लग गई और सारी सब्जियां अपने अपने स्थानों पर फिर से रही। यह पाठ है वह हमें बताता है कि हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए। देखिए यहाँ पर कितनी सारी सब्जियों का जिक्र किया गया, और उन सारी सब्जियों में कोई ना कोई गुण थे, तो हमें भी सारी सब्जियां खानी चाहिए और उनके सारे गुणों के लाभ है वो हमारे शरीर को देने चाहिए। तो चलिए अब हम अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। अब यह प्रश्न तो आपको पूछा गया है, तो आपको क्या करना है? आपके घर में ज़्यादातर कौन सी सब्जी बनती है? किसी के घर में रोज़ आलू ही पकता है, तो किसी के घर में टमाटर है, भिंडी है, तो ऐसी सब्जियां बनती। तो आपको क्या करना है? 4-5 सब्जियों के नाम लिखने हैं जो आपके घर में ज़्यादा बनती है, तो आपको ऐसे सब्जियों के नाम लिखने हैं। सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। जो अब आपको क्या करना है, यहाँ आगे पाठ में जितनी जितनी सब्जियाँ दी गई है उनमें से आपको कौन सी सब्जी पसंद है और क्यों पसंद है उसके बारे में 3 या 4 वाक्य लिखने हैं। यह आपका होमवर्क भी होगा। फिर यह सारे प्रश्न हैं वो हम स्वापोथी में
करेंगे। अब यहाँ पर एक कहानी दी गई है, इस कहानी को हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए, एक शरारती हाथी था, वह हमेशा पेड़ों के पत्ते खाता था, पर पत्तों के साथ साथ वह क्या करता था, उसकी डालियाँ भी तोड़ दिया करता था। जब भी उसका दिल करे थोड़े से पत्ते खाता और बहुत सारी डालियाँ तोड़ देता। एक बार उसे पेड़ ने समझाया कि भाई तुम पत्ते खाओ पर डालियाँ मत तोड़ो, यह डालियाँ तुम्हें धूप में छांव देगी। पर हाथी शरारती था, वह नहीं समझा। फिर धीरे 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 करते हुए ग्रीष्म ऋतु आई, एकदम से सूर्य तपने लगा। हाथी कहीं रह नहीं पाता था क्योंकि उसने पेड़ की तो सारी शाखाएं काट दी थी। अब वह उसके शरीर से पानी बहने लगा। तब पेड़ ने उसे कहा कि हाथी भाई, ऐसा करो तुम मेरे निकट आ जाओ जिससे कि तुम्हें यह सूर्य की गर्मी नहीं लगेगी। और हाथी है वह पेड़ के निकट चला गया और वाकई में हाथी को एक ठंडक सी महसूस हुई। फिर हाथी को समझ में आया कि पेड़ कितना ज़रूरी होता है, हमें कभी भी उसकी डालियाँ या टहनियाँ तोड़नी नहीं चाहिए। पेड़ हमें जब भी गर्मी होती है तब क्या देता है, छाया देता है। तो इस तरह से आज हमने अपना पाठ 9 केशास्वर यहाँ पर पूर्ण किया। अब हमारे अगले वीडियो में हम यही पाठ है वो स्वामी पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते।